नमस्कार दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से जस्ट पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोर सीरीज़ में पोलर फॉर्म्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया था इसी के बेसिस पे इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए कंप्लीट करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है एफ टी कोई सिग्नल दे रखा है दैट इज ट्वेंटी प्लस साइन पाई बाई सेवन टी प्लस पाई बाई थ्री प्लस फाइव साइन फाइव पाई बाई सिक्स इंटू टी माइनस पाई बाई फोर माइनस कोस सिक्स पाई बाई फाइव इंटू टी माइनस पाई बाई सिक्स ये आपका सिग्नल दे रखा है आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या ये एक वैलिड फोरियर सीरीज़ को एक्सप्लेन करती है या नहीं अगर ये आपका वैलिड फोर ईयर सीरीज़ है तो फिर आप इस सिग्नल के हारमोनिक्स फाइंड आउट करके बताइए इसी वीडियो में हारमोनिक्स क्या होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले तो जो हमने पोलर फॉर्म एक्सप्लेन की है ट्रिग्नोमेट्रिक फोर ईयर सीरीज़ की उसका फार्मूला फिर लिख देते हैं वो बनेगा कोई भी सिग्नल जो है फोफ्टी दैट वुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म एन टेंस टू जीरो टू इन्फिनीटी यहाँ लिखेंगे आर एन कोस एन ओमेगा नोट टी माइनस वाई एन तो कोई भी आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा तो वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज यहाँ पे इन जनरल जो एक्सप्रेशन है वो कोस एक्सप्रेशन है ठीक है लेकिन यहाँ पे ये साइनोसोडल है ये साइन है और ये आपका कोस है तो आपको डेफिनेटली इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो साइन को हम कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये यहाँ कुछ बेसिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको साइन टी कोई आपका फंक्शन है ओब्वियसली ये आपकी एक साइनोसोडल वेवफॉर्म है यहाँ पाई बाई टू होगा यहाँ पाई, पाई होगा ये आपका कोसाइन सिग्नल है ऑब्वियसली ये इस टाइप की सेप का कोसाइन सिग्नल होता है अगर दोस्तों इस कोस टी सिग्नल को मैं पाई बाय टू से डिले इंट्रोड्यूस करा दूं यानी यहाँ पे क्या था ये डेफिनेटली माइनस पाई बाय टू है यहाँ क्या है प्लस पाई बाय टू है अगर मैं इसमें पाई बाय टू का डिले इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो पूरा सिग्नल इतने मार्जिन से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा तो सिग्नल मेरा ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब अगर किसी सिग्नल में डिले इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कैसे दिखते हैं कोस टी माइनस पाई बाई टू हमें लिखना पड़ेगा कोस ब्रैकेट स्टार्ट टी माइनस पाई बाई टू अब ये जो सिग्नल है दोस्तों और ये जो साइन टी जो सिग्नल है ये आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल सेम वेव फॉर्म्स से इनकी आपको दिखेंगी यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर साइनोसोडल सिग्नल है तो उसको आप कोस सिग्नल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बाई हैविंग अ डिले ऑफ पाई बाई टू यानी यहाँ साइन अगर लिखा है तो मैं उस साइन को कोस लिख सकता हूँ लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे टी वहाँ मुझे टी माइनस पाई बाई टू लिखना पड़ेगा तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म्स को आप एक बार फिर से रिक्रिएट कर सकते हो विद दिस लॉजिक ये लिखेंगे आप ट्वेंटी प्लस साइन की बजाय अब की बार आप कोस लिखें आर्ग्यूमेंट जो था वो क्या था पाई बाई सेवन टी प्लस पाई बाई थ्री इसको एज इट इज लिखेंगे हम पाई बाई सेवन इंटू टी प्लस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू हमें लिखना पड़ेगा माइनस पाई बाई टू तो ये जो कंपोनेंट है ये इन जनरल जो कोसाइन सिग्नल्स थे उसमें रिप्रेजेंट कर लिया है अब सिमिलरली आगे हम क्या लिखेंगे फाइव साइन की बजाय मैं कोस लिखूँगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स मेरा कोसाइन में है आर्ग्यूमेंट सेम लिखना है दैट इज फाइव पाई बाय सिक्स इंटू टी माइनस पाई बाय फोर आर्ग्यूमेंट आ चुका है इसमें फर्दर माइनस पाई बाय टू हमें लिखना पड़ता है माइनस पाई बाय टू इसके साथ नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि गिवन आपका कोसाइन में है और हमें चाहिए भी कोसाइन में ही जस्ट टू कंपेयर द गिवन सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फोर ईयर सीरीज तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे कोसाइन सिक्स पाई बाई फाइव इन टू टी माइनस पाई बाई सिक्स तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टर्म्स बन चुकी है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अगर आप एन जीरो पुट करते हैं तो ओब्वियसली कोस ऑफ जीरो वन होता है यहाँ एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी ये कॉन्स्टेंट टर्म वही रिप्रेजेंट करती है इसके बाद एन वन पुट करेंगे टू पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे एंड सो ऑन तो ये बाकी की चीज़ें आपके हारमोनिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो यहाँ सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसको आर्ग्यूमेंट्स को कंप्लीट सोल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए ये क्या बनेगा पाई इंटू टी आप इसको सोल्व करें पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू तो ये आपका बन जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स प्लस फाइव कोस एज इट इज लिखेंगे फाइव ई सिक्स इंटू टी माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू तो माइनस आप कॉमन लेंगे पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू हो जाएगा और इस ये बन जाएगा हमारा थ्री पाई बाई फोर तो ये बन जाएगा थ्री पाई बाई फोर और इसके बाद माइनस ये आपका है जेट इज कोस सिक्स पाई बाई फाइव इन टू टी माइनस पाई बाई सिक्स राइट अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना टी के साथ जो टर्म होती है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है तो इसका मतलब ये है ये तो कांस्टेंट टर्म है बाकी हमारे क्या हैं हारमोनिक्स हैं टी के साथ जो टर्म्स है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लेटर से ये आपकी ओमेगा वन है तो क्या होगा इसमें पाई बाई सेवन यहाँ क्या है लेटर से ये हमारी ओमेगा टू है ये हमारी फाइव पाई बाई सिक्स ये हमारी ओमेगा थ्री है तीन आपके हारमोनिक कंपोनेंट्स हैं दैट इज सिक्स पाई बाय फाइव अगर आपके तीन अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो डेफिनेटली आप यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल सकते हो दैट इज ओमेगा नॉट वो क्या होगी ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री का जो नोमिनेटर है उसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री डिवाइडेड बाई फिर आपका क्या है लिस्ट कॉमन फैक्टर जो डिनोमिनेटर फैक्टर्स हैं उनका निकालना पड़ेगा ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री ये जो है ये नोमिनेटर्स से लेना है और ये जो एल है ये आपका डिनोमिनेटर से लेना है तो नोमिनेटर्स में क्या क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है पाई से फाइव पाई से और सिक्स पाई से तो सबसे बड़ी वैल्यू जिस टेबल में ये सब के सब हो वो वैल्यू आपकी पाई ही होगी और आपका जो सीएम होगा एल होगा वो क्या होगा इसके डिनोमिनेटर यानी सेवन सिक्स और फाइव तो यहां से एच आपका डायरेक्टली पाई आएगा क्योंकि पाई की ही एक ऐसी टेबल होगी सबसे बड़ी जिसमें ये सभी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हों अगर मैं टू पाई कहूँगा तो ये वैल्यूज़ फाइव पाई नहीं आएगी सिक्स पाई आ जाएगी अगर मैं थ्री पाई लूंगा तो उसमें फाइव पाई उसकी टेबल में नहीं आएगा इंटीग्रल टेबल्स में सिक्स पाई उसमें आ जाएगा पाई उसमें नहीं आएगा तो इसका जो एच सी एफ है वो पाई है और सात छ और पाँच इसका जो एल सी एम है वो आपका टू हंड्रेड टेन आता है तो जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आ गया पाई अपॉन टू हंड्रेड टेन अब देखो दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में रहती है लेकिन जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो वो सिग्नल अलग अलग हारमोनिक्स बना लेते हैं हारमोनिक्स का मतलब ये है कि उन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है लेकिन फ्रैक्शनल चेंज नहीं होगा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसका टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स इंटीगल टाइम्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उन सिग्नल्स को हम कहते हैं हारमोनिक्स तो हमें अब ये बताना है कि जो कंप्लीट आपका पीरियोडिक सिग्नल था उस पीरियोडिक सिग्नल की इंफॉर्मेशन इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में अवेलेबल थी अब आपको ये बताना है कि ये जो कंपोनेंट है ओब्वियसली ये हारमोनिक्स है तो ये कौन सी हारमोनिक्स है यानी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी इनक्रीज हुई है ये वो उसका हारमोनिक्स होगा सिमिलरली ये भी और ये भी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दैट इज के मल्टीप्लाई विद ओमेगा नोट तो ओमेगा नोट आपका है पाई डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड टेन दैट इज इक्वल टू इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पाई अपॉन सेवन इसके बराबर पुट कर दीजिए यहाँ से जब आप के निकालेंगे पाई से पाई कैंसिल टू हंड्रेड टेन ऊपर नीचे सेवन तो ये आपका थर्टी होगा तो जो हार्मोनिक्स है ये जो कंपोनेंट है ये वाला जो कंपोनेंट था दोस्तों ये आपका थर्टियथ हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यानी एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल थी वो पाई अपॉन टू हंड्रेड टेन थी लेकिन अब फ्रीक्वेंसी पाई बाय सेवन हो चुकी है यानी थर्टी टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है इसीलिए हम इसको थर्टीथ हार्मोनिक्स ऑफ एक्चुअल सिग्नल कहेंगे ये निकल गया है अगला देख लीजिए अगला क्या होगा वही फार्मूला है के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ पाई अपॉन टू हंड्रेड टेन दैट इज इक्वल टू दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइव पाई अपॉन सिक्स दिस इज़ फाइव पाई अपॉन सिक्स यहां से की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल आउट होगा ये होगा टू हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करके कितना आएगा टू हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 175. 175. ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है यानी ये जो आपका सिग्नल कंपोनेंट है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से 175 टाइम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस कंपोनेंट में आ चुकी है तो ये आपका वन सेवेंटी कंपोनेंट है नेक्स्ट आपका जो है लास्ट वो देख लीजिए दैट इज़ के मल्टीप्लाई विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज पाई अपॉन टू हंड्रेड टेन दैट इज इक्वल टू टी के साथ जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिक्स पाई अपॉन फाइव सो दिस इज सिक्स पाई डिवाइडेड बाई फाइव पाई से पाई कैंसिल होगा अगेन आप के की वैल्यू निकाल लीजिए टू हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव ये आपका क्या बन जाएगा कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं टू हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव ये वैल्यू आएगी आपकी 250 सेकंड तो ये वो आपकी दो सौ बावन मी हारमोनिक्स है तो इस टाइप से दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ फेजर फॉर्म इस टाइप के नोमेरिकल्स आपको दिए जा सकते हैं आप सबसे पहले जितने भी टर्म्स हैं उसको इन टर्म्स ऑफ कोसाइन सिग्नल कन्वर्ट कर लीजिए उसके बाद फिर उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल लीजिए फिर के मल्टीप्लाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट तो सब के हारमोनिक्स आपको पता लग जाएंगे आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इसी के साथ जो हमारा फेजर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सपोनशियल फोरियर सीरीज़ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो